जी आज आपका एक मेन टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सौंदर्य संगीत उससे पहले आती है कि कलाएं कला क्या चीज है कला के अंदर कितनी तरह की कलाएं हो सकती हैं, ललित कलाएं और उसके अंतर्गत का संगीत का क्या स्थान है इससे और फिर तीसरी बात आती है तब ये बात आती है कि उसमें सौंदर्य हमें किस तरह से मिलता है कोई भी कला ये आप सब लोगों को ये पता ही है कि ललित कलाएं पांच मुख्य रूप से मानी जाती हैं ठीक है वास्तुकला मूर्ति कला चित्र कला, कावे कला और संगीत कला सर्वश्रेष्ठ कला इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं अच्छे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं या कोई भी कारीगरी जो भवन में ईट पत्थरों से उसमें की जाती है उसकी वो उसका सब महत्व सबसे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि एक बार आपने बहुत अच्छे से कलर्स में और कारीगरी बना के उसके ऊपर भवन बना दिया बस वो एक बार बन गया उसके बाद और कुछ उसका और किसी तरह से उसमें अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते पूरी तरह से एक बार जो भी बना रहा है जिसकी भी डिजाइनिंग है उसके पूरे स्टाइल लग गया और वो फिक्स फिक्स हो गया उसे थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव और अच्छी कला में के अंतर्गत आता है मूर्ति कला जैसे कि भगवानों की मूर्तियाँ आप लोग देखते हैं या इंसानों की जानवरों की आ, कोई भी चीज सुंदर कलात्मक वस्तु जो हम शोपीस अपने बात अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में कहीं पे भी रखते हैं वो आती है क्योंकि मूर्तियों में जो मूर्तिकार है वो अपने हिसाब से उसको पूरी तरह से कलरफुल बना के एक अच्छे से डिजाइन में मूर्ति को गढ़ता है आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि अगर मूर्तियां हैं तो कोई कोई मूर्ति बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बोलती हुई सरस्वती माता की मूर्तियां हैं जैसे सरस्वती माँ की अगर आपके सामने कोई पिक्चर है कोई कोई इतनी सुंदर होती हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो हम हमें देख के या हमारा हमें सुन के स्माइल हमें दे रही हैं और हमें आशीर्वाद दे रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं आंखें एकदम स्माइलिंग फेस सुंदर तो ये ये फील होता है ये अगर मूर्तिकार ने अपने बहुत अच्छी तरह से बहुत खुश होके मन से अपने भावों को अभिव्यक्त करके उनको करा है जड़ा है पूरा बनाया है तो उससे थोड़ी सी अच्छी हो सकती है क्योंकि एक बार जो मूर्ति बन गई वो बन गई इसके बाद उसमें कुछ और चेंज नहीं हो सकता दूसरा ये कि अगर उसमें बहुत सारे और लोग हैं मूर्तिकार ने अपने हिसाब से वो थोड़ा डिप्रेशन में है या थोड़ा सा परेशानी में है तो वो अपने हिसाब से कलरफुल नहीं बनाएगा और उसको सिंपल से दो कलर में किसी भी तरह से एडजस्ट कर देंगे लेकिन कुछ लोग जो बहुत जिंदगी को प्यार करेंगे प्यार करते हैं या जिंदगी को बहुत अच्छे अच्छे रंगों में रंग बिरंगे रंगों में देखना चाहते हैं उन्हें हो सकता है उस मूर्ति में उतना अच्छा ना लगे कि इतनी सिंपल सी बना दी इसमें तो कोई देखने में अच्छी ही नहीं लग रही है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसको उतना पसंद ना करें क्योंकि उसमें उस कारीगर की अपनी जो मनोभाव अपनी मनोदशा है वो उसमें पूरी तरह से परिलक्षित हो गई तो ये आ गई मूर्तिकला सेकेंड नंबर उससे थोड़ी सी बेटर तीसरी आती चित्रकला ड्रॉइंग ड्रॉइंग में बहुत उससे बहुत अच्छी है क्योंकि आप विभिन्न कलर से विभिन्न तरह से अपने भावों को अपनी बातों को कभी फिगर के रूप में कभी सीनरी के रूप में कभी किसी भवन की को, को पेंटिंग बनाते हुए भवन के अंतर्गत भवन है उसके बाद उसके बाद आपने उसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स वैसी भी बना दी कि बच्चे हैं घूम रहे हैं मम्मी पापा हैं उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं और उसमें आपने दिखा दिया कि बारिश हो रही है बारिश का मौसम है तो पेड़ पौधे बहुत खिल खिल के ग्रीन कलर में बहुत सुंदर लग रहे हैं उसमें आप दिखा सकते हैं सीनरी के फॉर्म में कि सूरज की भी रोशनी एक जगह से पे आ रही है तो कैसे कोई छाता लगा के सामने से जा रहा है तो उसमें स्कोप थोड़ा सा बढ़ गया चित्रकला के माध्यम से चित्रों के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कलाकार कर सकता है इससे जुदा ज्यादा और इम्पोर्टेंट एक चीज आती है काव्य कला काव्य यानी कि कवि हिंदी का हिंदी साहित्य का व्यक्ति कोई भी अच्छी भाषा में कविता के फॉर्म में अगर कोई अपनी रचना को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो गा के कर रहे हैं या बिना गाए कर रहे हैं लेकिन उसको तुक में तुक उनकी मिला के शेरों शायरी के फॉर्म में वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये बहुत तरह से उसमें अपनी भावों को कभी व्यक्त कर सकता है लेकिन उसमें ये बात भी आती है कि कुछ लोग गा के केवल स्वरों के माध्यम से गा के आप उसको गा रहे हैं तो उसका इफेक्ट अलग आता है सिंपल सी एक भाषा एक आपने गद्य के फॉर्म में बोल दिया जैसे आ, कोई भी बंदिश है राग मन की ही अगर बंदिश लेते हैं। चोरी करन काना घर मोरे आए निश मोहे बहुत सताए चोरी करन काना घर मोरे आए मोरी खाए मटो की मोरी होरी घर वाह कर मुँह से चोरी करन काना घर मोरे आए अभी गा के जो इफेक्ट आया ये आप संगीत कला के अंतर्गत आ गया अगर इसको कभी ऐसे बताएगा चोरी करण घर मोरे आए निशवा ये काव्य कला जो अभी फोर्थ नंबर पे हमने आपको बताया कि काव्य कला है तो इस इन सब तीनों कलाओं में सर्वोपरि है मतलब उनसे सबसे बेहतर है क्योंकि उसमें कलाकार अपने भावों को शब्दों द्वारा बहुत या गा के या शब्दों द्वारा वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है तो वो अपने स्टाइल में किसी भी फॉर्म में एक बहुत अच्छा उसकी अभिव्यक्ति होगी इंप्रेसिव वे होगा कि सुनने में बहुत अच्छा लगेगा तीसरी चीज सब लास्ट और सर्वश्रेष्ठ कला आती है हमारी संगीत कला ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए है केवल क्योंकि इसमें काव्य कला कविताएं हैं जो बंदिशें हैं उनको हम स्वर और ताल में और किसी राग में बांध देते हैं जब तो उसमें उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अगर संगीत का उसमें पुट आ गया या किसी राग का पुट आ गया तो वो उसका अलग इफेक्ट आएगा और वो बहुत सुंदर लगेगी जैसे कल भी मैंने एक बताया था राग कलावती है मान लीजिए तो अगर हम उसको सिंपल से उसमें करेंगे माने ना पिया मोरी बात करत जो भी मतलब कोई भी अपनी भावना को अगर हम कविता के फॉर्म में बता रहे हैं और अगर हम उसको गा के बंदिश के फॉर्म में या रागों के अंतर्गत उन विशेषताओं के अंतर्गत हम अगर हम उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अलग ही आएगा तो आ, ललित कलाओं में संगीत इसीलिए केवल सर्वश्रेष्ठ कला मानी गई है क्योंकि उसके अंदर नृत्य साहित्य नृत्य और वादन और गायन तीनों चीजों का समावेश है गा रहे हैं हम उसके साथ आपके ताल भी मिल रही है तबला मिल रहा है ये तो दो चीजें मिक्स है ही है वो नहीं ही है और नृत्य नृत्य में ये सारी चीजें हैं क्योंकि नृत्य में आपके हाथ और पैरों के भाव भी आएंगे उस उसके थ्रू भी और तबला भी बज रहा है तबले के साथ आपकी लय और ताल बंधी हुई आ रही है प्लस उसमें बोल है जो वो गायन में आ जाएंगे ताे थे 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 तो इस तरह से उसमें शब्द भी आ रहे हैं और बंदिश के माध्यम से उसमें भावों को भी अभिव्यक्त करा जा रहा है ठीक है तो ये इस चीज को थोड़ा सा आप इस तरह से देखिए अभी जो मैंने पांच पॉइंट बताए ये ही है मेन तो वास्तुकला मूर्तिकला चित्रकला काव्य कला और संगीत कला ये तीनों ललित कलाएं ये पांच ललित कलाएं हैं इन पांचों ललित कलाओं में सबसे सर्वोत्तम ललित कला संगीत के अंतर्गत आता है तो थोड़ा थोड़ा बुक के फॉर्म में देख लीजिए क्योंकि उसकी परिभाषा शब्दों में विभिन्न ग्रंथकारों ने कलाकारों ने साहित्यकारों ने शास्त्रकारों ने अपने अपने हिसाब से बताइए मानव भावनाओं की सुंदरतम अभिव्यक्ति का साकार रूप ही कला है जब मानव अपने किसी गुण की अभिव्यक्ति सुंदर और आकर्षक ढंग से करता है तो उसके उस गुण की अभिव्यक्ति को कला कहते हैं इस सौंदर्यमयी कला की सबसे सौंदर्यमयी विद्या ही ललित कला है आदिकाल से मानव आद, आनंद की खोज करता आया है और प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित रहा है विकास के साथ साथ मानव की कल्पना सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करती रही और प्रकृति को सुंदर रूप की चेष्टा करती रही करने लगी उसकी इस चेष्टा को ही अधिकाधिक दिव्य और सौंदर्यमयी बनाने के लिए ललित कलाओं का जन्म हुआ ये ललित कलाएं यही हैं। अब इसमें सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको तो व्यक्त किया है ललित कलाओं में संगीत का स्थान अब देख लीजिए इसको किस तरह से है ये बात तो सर्वविदित है कि संगीत सभी कलाओं में प्राचीन है जब मनुष्य ने भाषा नहीं सीखी थी वो बोलना भी नहीं जानता था उस समय भी संगीत का अस्तित्व तो था आदि मानव भी अपने उद्गार खुशी और आदि गुनगुना कर ही अपना व्यक्त करता होगा जिस प्रकार चिड़ियों का चहचहाना कोई सिखाता नहीं है उन्हें पक्षियों को उड़ना शिशियों को शिशुओं को रोना हंसना कोई नहीं सिखाता अपने आप ही वो स्वतः ही ये करते हैं इसी तरह से मनुष्य को गुनगुनाना गाना नाचना स्वतः ही आता है ये बात अलग है कि उसका रूप उतना परिष्कृत ना हो आप ए, प्रोग्राम्स में जाते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में सब लोग डांस करते हैं कोई लोक संगीत का लेडी संगीत चल रहा है या डीजे चल रहा है आजकल तो सब लोग थिरकने लगते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसने सीखा नहीं है या इसको ये इसका एक्शन अच्छा नहीं लग रहा बस मजे में मस्ती में अपने अपनी खुशी को जाहिर करते हैं सबको बुला के सब लोग करते हैं कि खुशी ये नहीं सोचना है कि हमें डांस कम आता है हमें नहीं आता लेकिन हम बहुत खुश हैं आज के कार्यक्रम में और जो भी हम किसी भी शादी में या किसी भी प्रोग्राम में आए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और हम भी उनकी खुशी में शामिल हैं ये एक तरीका होता है जिससे हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो ये डांस कोई भी कर सकते हैं वो बात कुछ बस ये लेकिन कुछ परसेंटेज में ऐसा होता है करीब मेरे हिसाब से मुझे लगता है पांच परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर संगीत अंदर से नहीं होता और नहीं करो उनको आता नहीं है ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन बहुत पसंद है वो खुश होते हैं और अच्छे से सुनना चाहते हैं लेकिन गा नहीं पाते ऐसे लोग भी मिल जाएंगे बहुत ट्वेंटी परसेंट मेरे हिसाब से ऐसे लोग होते हैं जिनको आता है और नहीं आता नहीं है गा नहीं सकते या कुछ बजा नहीं सकते लेकिन वो बहुत खुश होके सुनते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल खुद भी गा लेते हैं चाहे ग अच्छा गाएं और सुनते भी हैं पाँच परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनको ना सुनना अच्छा लगता है ना गाना अच्छा लगता है ना देखना अच्छा लेकिन उनमें उन पाँच परसेंट में भी हो सकता है उनको गाना सुनना या ताल सुनना तबला सुनना या कोई इंस्ट्रूमेंट सुनना ना पसंद आए लेकिन नृत्य डांस अगर सामने कोई भी लेडी लड़की प्रस्तुत कर रही है कोई भी बहुत अच्छा सा डांस हो रहा है और आपको उसको बिल्कुल भी नहीं आता उसके बारे में कथक पता नहीं है कथक है भरतनाट्यम है या राजस्थानी लोकगीत है क्या है लेकिन उन पाँच परसेंट वाले लोग भी अगर कोई नृत्य नाटिका या नृत्य प्रस्तुत किया करा जा रहा है वो जरूर उसमें खुश होंगे आनंदित होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसे लगे कि अरे ये डांस कर रहे करते रहने दो हम तो अपना काम कर रहे खा पी रहे सबका ध्यान जाएगा क्योंकि वो एक, एक दृश्य कला है जो कि आपको सामने दिखाई पड़ रही है कि वो डांस हो रहा है उसके साथ रिद्म भी है शब्द भी है और उसके भाव भी हैं हाथ पैरों से उसके अभिव्यक्ति भी है उससे वो सब लोगों को पसंद जरूर आएगा उन पाँच परसेंट को भी जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है या इनहेरिट उनके अंदर वो प्रतिभा नहीं है किसी भी तरह की कला की लेकिन इसमें कित किस तरह की चीजों की आवश्यकता होती है जैसे कि भौतिक साधन और उपकरणों की आवश्यकता होती है इस आधार पर देखने में कलाओं को क्रम में रखने में बहुत मदद मिलती है जैसे वास्तुकला में ईट पत्थर चूना मिट्टी लकड़ी आदि अनेक वस्तुओं और छैनी हथौड़ा खुरपी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है काव्य और संगीत के लिए केवल नाद और शब्द की जरूरत पड़ती है इस आधार पर वास्तु मूर्ति और चित्र में स्थूल साधनों की आवश्यकता क्रमशः अधिक से कम की ओर है काव्य में संगीत में इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती अतः ये तीनों में श्रेष्ठ है काव्य में भाषा के साथ नाद भी रहता है जबकि संगीत में केवल नाद ही प्रधान है अतः संगीत का स्थान सर्वश्रेष्ठ है चल अचल का एक आधार भी होता है क्योंकि कला की श्रेष्ठता का एक मापदंड है उसका अधिकाधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है स्थापत्य कला कला ऐसी है जो पूर्ण रूप से स्थिर है अचल है यानी कि वही वास्तुकला स्थापत्य कला, कला। चित्रकला पे अगर हम ध्यान दें तो हमें ज्ञात होता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है कोई भी एक जगह आपने सीनरी बनाई किसी भी मनोरम दृश्य में, में रम, रमणीय स्थल पर पहाड़ों पर जाके आपने कुछ भी बनाया उसको उठा के ले जाया जा सकता है परंतु उस, उसको बहुत कम लोग ही देखेंगे वही पेंटिंग की आप लोगों की वो लगती है कहीं एग्जीबिशन लगी है उसको देखने कुछ ही लोग जाएंगे कौन देखने जाएगा मतलब जिनको बहुत शौक है या किसी वजह से कितनी के साथ आए हैं वो देखने जाएंगे तो उनका इस, इसलिए स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन उसको उठा के इधर से उधर दूसरी स्थान पे ले जाया जा सकता है यही बहुत महत्वपूर्ण तो चीज है काव्य और संगीत ऐसी ललित कलाएं हैं जो चल हैं और किसी भी स्थान अथवा समय पर पेश की जा सकती हैं काव्य कला और संगीत कला ये दो कलाएं ऐसी हैं जो आपके साथ चलती हैं चल कलाएं पूरी तरह से आप कहीं पर भी किसी भी जगह गए अचानक हम बैठे हुए हैं चार पांच लोग दस लोग बैठे हैं अचानक कि किसी को लगा कि नहीं हमें आप कोई कविता सुनाइए कोई गजल सुनाइए कोई भजन सुनाइए आप कहीं पे भी उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका आनंद लिया जा सकता है लेकिन इसमें भी ये बात आती है कि किस तरह से वही वाली बात है जैसे काव्य कला है उसमें आप गा के भी करेंगे तो और अच्छा लगेगा सिंपल से उसमें करेंगे तो उसको उस उसके अपेक्षा मतलब गाने की अपेक्षा थोड़ा सा उसका महत्व कम हो जाएगा थोड़ा सा देखने में कम पसंद आ सकता है लेकिन फिर भी ये डिपेंड करेगा उस कवि पे कि वो किस ढंग से किस किस कि, किस तरीके से उसको प्रस्तुत करता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलाओं में यही है कि बेसिक इनहेरिट ये चीजें होती हैं और पूरी तरह से हम इसको अपने हिसाब से उसमें खुश होते हैं कोई भी चीज कोई भी कला का एक विशेषता है कि अगर आ, कोई भी कलात्मक चीज सीनरी, कविता या गाना अगर हम दस लोगों के सामने प्रस्तुत की करते हैं उन दसों लोगों से पूछा जाए कि आपको कैसा लगा किस तरह की चीज लगी उन दसों लोगों में कम से कम चार तरह के व्यू आएंगे बिल्कुल आएंगे बहुत सुंदर होगी तो भी वो अपन उनकी अपनी जो वो होती है व्यक्तित्व जो होता है उनका अपना जो उनकी सोच है उस समय की जो मनोस्थिति इस्ति, स्थिति है उसके हिसाब से वो उसको इवेल्युएट करेंगे देखेंगे बहुत दुखी हैं बहुत परेशान हैं फिर उनको किस तरह का संगीत या कोई चीज सुनाई पड़ रही है बहुत खुश हैं फिर उनको कैसा वाला चीज दिखाई पड़ रही है इसी तरह से कलर्स किसी को बहुत रंग बिरंगी चीजें पसंद है ब्राइट कलर्स उस पर उसका फोकस जाता है कुछ लोगों को बिल्कुल लाइट डल कलर्स शांति वाले कलर्स पसंद है उनको ऐसा लगेगा इतना ब्राइट बना दिया है इतनी ब्राइट की जरूरत नहीं थी थोड़ा सा नॉर्मल कलर रखते तो अच्छा लगता ये जो चीज है ये आती है आपके सौंदर्य में एस्थेटिक्स आपके सिलेबस में मैं देख रही थी सारी चीजें वो हैं इंक्लूडेड हैं संगीत के अंतर्गत संगीत में म्यूजिक वाले जो बच्चे हैं उसमें ये जो सारे सिलेबस में लिखने को तो छोटा थोड़, थोड़, छोटा लिखा है ग्राम मूर्चना स्वरताल और काकू स्वर रस सब चीजें हैं लेकिन इसका ये पूरा का पूरा बेस है जो आप संगीत में हाई स्कूल से लेकर एम तक एम तक हम जो उसको पढ़ते हैं हर क्लास में हर कक्षा में स्टैंडर्ड वाइज वो उसका डिटेल्ड स्टडी बढ़ जाती है लेकिन बेसिक वही है तो सारा है इसमें इसमें तो एक चीज लिखी है बस एस्थेटिक्स कला का मैं देखा मैंने इसमें कि कला के नाम से कोई चीज नहीं है लेकिन एस्थेटिक्स की बात तभी आएगी जब आपको उसका पहले ये पता होगा कि वो ए, किस तरह एस्थेटिक्स का मतलब सुंदर सौंदर्य सौंदर्य शास्त्र एक तरह से आता है एस्थेटिक्स का मतलब पूरी तरह से तो यह है कि सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य सौंदर्य क्या है जो चीज हमें बहुत सुंदर लगे और हमें बहुत अच्छा उसको देख के अच्छा लगे और हमें दोबारा से उसको देखने का मन करे या सुनने का मन करे कोई भी चीज वो होती है सौंदर्य तो सौंदर्य तभी आएगी उससे पहले सौंदर्य से पहले कला आएगी क्योंकि कला आर्ट ये पांच तरह की जो मैंने आपको आर्ट बताई है इन पांचों आर्ट के अंतर्गत जब ये हम इन सब कलाओं के बारे में बात करते हैं तब आता है कि इस कला को देखने वाले सुनने वाले श्रोतागण या दर्शकगण जो भी हैं वो उससे उसमें कितना तरह का एस्थेटिक्स सौंदर्य फील कर रहे हैं वो कैसा अनुभव कर रहे हैं उसको देख के तो इसीलिए ये मैंने बताया कि अगर दस लोगों को चीज दिखाई जाए कुछ लोग कोई पेंटिंग ही है सिंपल सी एक पेंटिंग दिखाई जाए वो अपने हिसाब से उसको देखेंगे उसमें कोई कहेगा कि बहुत ही कलात्मक पेंटिंग है इतनी ये तो मैंने इस तरह की कभी नहीं देखी दूसरा कहेगा इसमें है क्या समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उत्पटांग सी बना दी है चीजें तीसरा कहेगा So, पता तो चल नहीं रहा है क्या है कलर्स लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं कुछ ब्राइट से कलर लग रहे हैं बढ़िया लग रहा है चौथा कहेगा कलर ही तो नहीं अच्छे लग रहे हैं इसके बाकी तो ठीक लग रहा है एक मैसेज लग रहा है कि हाँ भाई कुछ ऐसी बात है लेकिन कलर थोड़े से डिसेंस होते डिसेंसी होती तो सुंदर मजा आता देखने में पता नहीं कितने ज्यादा ब्राइट कलर कर दिए हैं मजा नहीं आ रहा तो ये क्या हुआ ये जो उसका एस्थेटिक सेंस सबका अलग अलग है बिल्कुल सब लोग अलग अलग हैं उसको अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं उसको इसलिए एग्जैक्टली exactly हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पेंटिंग है या ये जो चीज है प्रस्तुति है वो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है या इससे अच्छी हो ही नहीं सकती थी ये बहुत अच्छी है ठीक है ये बात सही है कि अगर हम दस लोगों को दिखाएं दस में से आठ लोग कह दें बहुत सुंदर है दो लोग कहें हाँ ठीक थी, ठीक है बहुत अच्छी नहीं है तो वो नहीं मानी जाएगी और यही माना जाएगा कि भाई मेजोरिटी है इतने सारे लोग कह रहे हैं अच्छी है तो अच्छी तो है बिल्कुल लेकिन कितनी अच्छी है उसका मापदंड उसका नाप नाप तोल क्या है कि वो कैसे पता चलेगा कि उसको हम अगर हम क्राइटेरिया में उसको बांट के देखें कि कितना एस्थेटिक्स उसका सेंस है कितनी सुंदर है तो वो कभी पता चलेगा जब लोगों को देखा दिखाया जाएगा तो इसलिए मैंने बताया कि कला सबसे पहले कला आती है कला का मतलब कोई भी ऐसी आर्ट जिसके द्वारा हम अपने भावों को अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं प्रकट करते हैं अब कला के अंतर्गत आ गई पांच ललित कलाएं वास्तुकला मूर्ति कला, कला चित्रकला काव्य कला और संगीत कला ये इसी क्रम से ही मैंने बताई है वैसे तो कोई भी क्रम से बोल दो लेकिन क्रम का मतलब ये है कि जैसे सब सबसे कम अगर अच्छी कही जाएगी अच्छी बुरी का वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है बस ज्यादातर जिसमें जिसमें थोड़ा सा चल चल चलाएमान है जो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकती है ज्यादा लोग उसको देख के खुश हो सकते हैं अब भवन है भवन बहुत सुंदर सा बना दिया भवन ताजमहल है ताजमहल बहुत सुंदर कलाकृति है लेकिन आप ताजमहल के लिए आगरा जाना पड़ेगा ना आगरा आप जाएंगे आगरा में वहां देखने जाएंगे तभी वही लोग देख पाएंगे बाकी लोग फोटो देख लिए हाँ अच्छा तो है बहुत सुंदर जाएंगे तब पता चलेगा अब कुछ ही लोग है ना जो वहां पहुंच के उसको उसको देख पाएंगे और बहुत खुश हो पाएंगे ये तो एक आठवां आश्चर्य है एक बहुत ही अनूठी कला है तो उन उसकी वो तो बड़ी बात हुई और जो थोड़ी कम अच्छी वाली है बहुत सुंदर बनाया है किसी ने भवन अपना घर या कोई भी कलाकृति मतलब बहुत सुंदर सी कर, अपना घर बनाया कुछ भी बनाया तो उसे वही लोग देख पाएंगे उनके आस पड़ोसी देख लिया कुछ उनके घर वाले हैं कहीं से आए वो उन्होंने अचानक देख लिया कि अरे वाह तुमने घर तो बहुत सुंदर बनाया है और इसके अंदर जो ही तुमने किया है दरवाजे और ये ऊपर कलाकृति जो करवाई है ये तो इससे तो एकदम मजा आ गया देख के इससे बस ये है कि बहुत कम लोग उसको देख के खुश हो पाएंगे क्योंकि उसको स्कोप इतना नहीं है अगर हम उसको पर्यटक स्थल के रूप में बना देते हैं तो और थोड़े से लोगों का स्कोप हो जाता है कि वो भी आके देख सकते हैं लेकिन उसके लिए भी लिमिटेशन है कि हर एक व्यक्ति को छू के देखने का टच करके देखने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि अगर हम ताजमहल की ही बात करें फोटो तो सबको मिल जाएंगी खूब सुंदर सुंदर दूर से देखने में लगेगा भी कि इतना एक एक पिलर पे एक, -एक कलाकृति पे कितना सुंदर इन्होंने किया है अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उसके अंतर्गत आपको कला से संबंधित तो सारी चीजें मिलेंगी ही इसके साथ म्यूजिकल कला से के बाद जब ये बात आती है कि म्यूजिकल फॉर्म्स में उस समय के उस टाइम के क्या 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 वाद्य होते थे जो वा, उन जिन वाद्यों को यूज करते थे और उस समय किस तरह की परिधान होते थे लेडीज के लड़कों के आ, लड़कों के महिलाओं के क्या परिधान होते थे और किस तरह से उनका जो न, एक तरीका होता था कि आंगन में बैठ के या पेड़ के नीचे बैठ के हम वाद्य को बजा भी रहे हैं और गा रहे हैं या नृत्य के कुछ उनके जो स्टाइल्स होते थे कुछ भाव भंगिमा कुछ उनकी मुद्राएं होती थी वो हम अगर उसमें जाके देखें तो कितनी सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलेंगी उस समय की तत्कालीन जो समाज में आपका जो भी समाज में उस समय कल्चर चल रहा होगा और समाज में उस समय किस तरह का संगीत या कला के प्रेमी लोग होंगे और वो उसको उस तरह से रिएक्ट करते हैं तो ये सब चीजें आपको वहाँ जाके सुनने को देखने को मिलेंगी लेकिन कितने लोग जा पाते हैं सबको पता है बहुत सुंदर है खजुराहो की मूर्तियां बड़े बड़े मंदिर बहुत सारे उसके अंदर कितनी पूरे पूरे भवन में कैसे कैसे मुद्राओं के साथ मूर्तियां हुई हैं बहुत कलात्मक रूप में तो वो क्या है वहां लोग जाएंगे तभी तो देख सकते हैं बस बाकी तो हम किताबों में देख लेते हैं लेकिन जब वो वो फीलिंग अलग होती है जब आप उस जगह पर जाकर उसको प्रत्यक्ष रूप में उसको देखिए आप हालांकि अभी तो अब आजकल थोड़ा सा एक वीडियोस वगैरह के फॉर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग उसको वीडियोस के फॉर्म में भी देख लेते हैं जैसे कोई भी गया उसने वीडियो बना ली उसको वायरल कर दिया दिखा दिया आपने सब लोगों को तो पता चल जाता है लेकिन फिर भी वो फीलिंग अब पत्थर पे बैठकर अब उसको देखिए आप ताजमहल के जो पत्थर का कितना वाइट मार्बल इतना साफ सुथरा इतने कलात्मक ढंग से उसमें हर हरेक पिलर पे दीवारों पे ऊपर अगर आप देखेंगे एक एक लेयर में किस कितनी कितनी मेहनत से कारीगरी की है बड़े बड़े पत्थर को काट के बनाना कोई चीज बहुत मेहनत का और बहुत बड़ी कलाकृति की बात है लेकिन बस मेन बात यह है कि उसको वहां तक पहुंचना बहुत कम लोगों के न, के लिए संभव हो पाता है ये हो गया ये तो वास्तुकला उसके बाद आती है ये तो थोड़ा थोड़ा तो बता ही चुके हैं दूसरा आता है मूर्ति कला मूर्तियां फिर भी थोड़ा सा यह है कि एक मूर्तियां बनती हैं और वो उसको बहुत सारे लोग इधर से उधर ले जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में से जाते हैं तो उसका थोड़ा सा स्कोप उसमें और बढ़ जाता है कि उसमें और अच्छे से उन्होंने सुंदर सुंदर बोलती हुई मूर्तियां बनाई तीसरी आ जाती है वही चित्रकला चित्रकला के बारे में वो थोड़ा और मूवेबल होती है कि आपने अच्छी अच्छी सीनरिया बनाई कहीं पे भी लगा दी आजकल तो ये मोदी जी के टाइम पर इन्होंने कितना पेंटिंग के लिए खर्चा हुआ है और कितनी तरह तरह के गलियों गलियों में आप जाके देखिए कि गांव गांव में भी और तरह तरह के जो स्कूल्स हैं स्कूल्स को अलग से पेंटिंग के नाम पे अलग से उनके लिए काम टास्क के रूप में दिया कि आप हर जगह को बिल्कुल कलर से और बना के बिल्कुल कलाकृतियों कला से एकदम चमका दीजिए तो आप देखिए जरा सा जाके देखिए है ब्रिजेस हैं दिल्ली नोएडा साइड में जितने भी ब्रिज हैं पूरे बने हुए उनके ऊपर बड़े बड़े पिलर्स में चारों तरफ स्टेशन है रेलवे स्टेशन के जो चारों तरफ लाइन ला, दीवार है बड़ी बड़ी उसके ऊपर स्कूलों में सब कोई अच्छे अच्छे मैसेज देते हुए कि नल में पानी बचाएं पानी वेस्ट ना हो प्रदूषण ना हो इन सब का ध्यान रखें डस्टबिन में कूड़ा डालें इन सब मैसेज को कर दिखाते हुए इस तरह की कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें चारों तरफ पेंटिंग चारों तरफ उसमें स्कोप है कि आप उसको पेंटिंग के थ्रू अपनी बातों को अपने मैसेज को अपने उद्देश्य को अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं इसके बाद वही काव्य कला आ गई जिसमें कवि अपने शब्दों को व्यक्त करता है अब इसमें भी बस ये दो चीजें हैं कि अगर हिंदी में अगर तुक में तुक मिला के पोइम के रूप में काव्य के रूप में अगर हम कविता के फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो वो बंदिश हो जाती है या गाना बन जाता है कोई भी गीत बन जाता है बसंत ऋतु के या किसी भी तरह के गीत होली गीत इसके अलावा एक गज़ल अगर फॉर्म उर्दू के शब्दों को शेर व शायरी के फॉर्म में जैसे इसमें तो दोहा या तुक में तुक मिला के दो लाइनों का एक कविता बन जाती है और उर्दू के अगर शब्दों को अगर हम उर्दू के शब्दों को वो करते हैं इसी तरह से बनाते हैं तो शेर व शायरी बन जाती है नज्म बन जाती है उस नज्म या शेर व शायरी को जब हम स्वरों में और ताल में निबद्ध करते हैं तो वो गजल बन जाती है तो ये ये हो गई काव्य कला के अंतर्गत दो चीजें आ गई हिंदी में अगर बनाई जाए जा, जा, जाएगी तो कवि कविता और अगर उर्दू के शब्द होंगे तो वो गजल गायक या नज्म गायक वो बन जाते हैं अब एक तो सी, सीधी सी चीज हो गई शेर व शायरी जैसे गजल तो सिंपल भी बोल दिया आपने गजल गजल के फॉर्म में हो गई कोई भी है यही है जैसे रंजिशी सही आप ये निभाने के लिए आए मैं ऐसे गजल जो गाते हैं वो शब्दों के फॉर्म को नहीं हम, हम याद कर पाते तो अगर हम उसको सिंपल से बोलेंगे और हमने उसको गाने के फॉर्म में नहीं बोला तो ये आपकी कविता के फॉर्म में या शेरों शायरी आ गई शेरों के माध्यम से शायरी के माध्यम से हमने अपनी बात को एक्सप्रेस किया कविता और शायरी एक ही तरह की चीज है उसमें उर्दू शब्द है इसमें हिंदी शब्द है इसके बाद आता है ये संगीत कला जिसमें कि आप संगीत के माध्यम से संगीत के माध्यम से संगीत का मतलब ये होता है संगीत गीत को हमने लिया और उसके साथ हमने स्वर और ताल स्वर और लय और ताल को इसमें जब हम मिक्स कर देते हैं जोड़ देते हैं तो फिर वो संगीत हो जाता है इसमें एक संगीत में एक खाली भी तीन चीजें आ जाती हैं। गायन वादन और नृत्य गायन में आप गा रहे हैं और आपके साथ एक ताल बज रही है जिससे कि ताल निबद्ध है वैसे गाना है एक ये हो गई चीज दूसरी चीज आती है वादन वादन में आपका सितार गिटार वायलिन सारंगी जलतरंग कोई भी आ सकता है वाद्य उसके साथ तबला बजेगा ढोलक बजेगी या कोई भी वाद्य हारमोनियम बजेगा जो उसको उसका संगत दे रहा हो वो तो एक अलग बात है संगत एक अलग चीज है और वाद्य को अलग से बजाना अलग चीज है जैसे तबला है अगर तबला आपका साथ में बज रहा है गाने के या किसी वाद्य के साथ तो उसका तो मतलब ही है कि आपका संगत हो रही है अगर उसको अलग से बजाएंगे तबले तबला वादा अगर सोलो अपना प्रोग्राम दे रहे हैं तो उसके साथ हारमोनियम की संगत होगी जिससे ये पता चलेगा कि ये इस तालों के अंतर्गत ये वाली ताल बजा रहे हैं तीन ताल चार ताल एक ताल दादरा ताल कौन सी ताल है उस ताल के अंतर्गत वो अपनी कला को दिखा रहे हैं ये तबला हो गया एक इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि तबला और सितार की जुगलबंदी इसमें दोनों अपने अपने वाद्यों को सोलो की तरह से दिखा रहे हैं सोलो तो अलग हो गया एक चीज डुएट एक तरह से समझ लीजिए जुगलबंदी दोनों अपनी अपनी कलाओं को दिखा रहे हैं लेकिन एक ही एक ताल के अंतर्गत यानी कि अगर तीन ताल लिया है या एक ताल लिया है तो वो ताल वही रहेगी मात्राएं वही रहेंगी लेकिन उसके अंतर्गत वो अपनी आ, सितार में अपनी गत बंदिश चलेगी और उसके साथ तबले में अपने बोल चलेंगे धार तिट 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 तक तो वो उसमें तबले के बोल अपने लगेंगे उसी तरह के और वो सितार में उनके अपने दिर दिर दारा दिर दिर दारा वो सितार लगेंगे तो इन दोनों का जब मिला के किया जाएगा तो वो जुगलबंदी हो गई ये हो गई संगीत कला इसके अंतर्गत अगर हम एक चीज बताते हैं जैसे ये तो मैंने आपको बताया ललित कलाओं में संगीत का स्थान सर्वश्रेष्ठ काव्य और संगीत की तुलना एक बार और जरा सा देख लीजिए वैसे तो बता चुके हैं वही है लेकिन फिर भी कोई एक चीज समझ में आएगा क्योंकि काव्य का आधार शब्द है तथा शब्द एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे व्यक्ति भावों को इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि दैनिक कार्यों में सर्वाधिक योग भाषा का ही होता है यही कारण है कि कुछ विचारक काव्य को कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं काव्य को मानते हैं क्योंकि असली हमारा भी बेस संगीतकारों का भी बेस तो शब्द ही है जब तक काव्य कला वो नहीं होंगे शब्द ही नहीं होंगे तो फिर लय ताल क्या करेगी और ताल कुछ नहीं कर सकती बेस तो है ही तो इसलिए बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं ये कहते हैं कि आ, हमारी कला काव्य कला सर्वश्रेष्ठ है ठीक है हम संगीत वाले ये सोचते हैं कि संगीत और ज्यादा बड़ी चीज हो गई क्योंकि हमने उन बंदिशों को स्वर और ताल में बांधा है विशेष राग की विशेषताओं के अंतर्गत बांधा है तो इसलिए बड़ा है तो ये तो अपनी तरह की सोच हो गई हीगल श्याम सुंदर दास शुक्ल जी और प्रसाद जी इसी श्रेणी के विचारक हैं जो ये मानते हैं कि काव्य कला सर्वश्रेष्ठ है आचार्य शुक्ल और प्रसाद जी ने काव्य के पक्ष में कहा है कि प्राचीन समय में विद्या तथा उपविद्या नामक एक विभाजन था और प्राचीन आर्यों ने काव्य को चौसठ कलाओं में नहीं रखा था वह विद्या माना जाता था जबकि चौसठ कलाएं उपविद्या कहलाती थी और संगीत कला होने के कारण उपविद्या था अतः काव्य को संगीत में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है इसके अतिरिक्त काव्य के पक्ष में ये विचारक मानते हैं कि काव्य बाह्य और आंतरिक दोनों ही परिस्थितियों का सफल चित्रण करने में सक्षम है भावों के साथ साथ घटनाओं और पदार्थों की सची सजीव अवतारणा इनसे संभव है जैसे शुक्ल जी ने अपने मत में ये बोला है कि सर्वश्रेष्ठ मानव भावना कोमल भावना है जिसकी अभिव्यक्ति काव्य ही कर सकता है काव्य के माध्यम से हम और भी सूक्ष्म रूप में अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं हो गया? उपरोक्त तर्क में कही गई बातें असत्य नहीं है काव्य में बहुत शक्ति होती है ये बंद है हमारा भी। बंद हो गया था पर इस कारण संगीत के प्रभाव को अगर हम गौर स्थान दें तो यह भी उचित नहीं है संगीत को अपनी की अपनी विशेषता है जिसका विस्तृत प्रभाव क्षेत्र है अतः इसके प्रभाव को हम कभी भी कम नहीं समझ सकते काव्य में भी नाद चाहे कम स्वरों का प्रयोग हो परंतु प्रयोग तो होता ही है काव्य की सार्थकता और प्रभावकारिता इसके गेय रूप में है पर, पर संगीत शब्दों के अधीन नहीं है संगीत कला का सबसे सूक्ष्म माध्यम है सबसे सूक्ष्म रूप से वो अपने भावों का अभिव्यक्त कर सकते हैं उपरोक्त विचारधारा के अलावा एक अन्य विचारधारा है जिसमें काव्य कला और संगीत कला दोनों को समान श्रेणी का मानते हैं इस मत के अनुसार काव्य और संगीत दोनों का आधार नाद है अंतर केवल इतना है कि जब नाद संगीत प्रधान या स्वर प्रधान हो तब संगीत है और जब वह भाव प्रधान हो तब वो काव्य हो जाता है काव्य में यदि संगीतिक लय धुन उतार चढ़ाव ना हो तो वो भाषण मात्र भी हो लगेगा। अगर सिंपल से हम कविता को सिंपल सीधे सीधे सीध शब्दों में बोलेंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा गद्य बोल दिए किताब से पढ़ के यही कारण है कि कविता और निबंध और अकवित्वपूर्ण सामग्री को पद्य और गद्य नामों से जाना जाता है हिंदी में गद्य यानी कि सीधा सीधा सीध सेंटेंस और पैराग्राफ के अंतर्गत उसको अब शब्दों को कहानी के फॉर्म में बताना और कविता को ये रूप में होता है वो तुप में तुप मिला के दो लाइनों को एक साथ जब मिला के बोलते हैं तो वो कविता बन जाती है काव्य में संगीत सम्मिलित है इसी तरह संगीत में शब्द मिले रहते हैं गीत नृत्य तबले और पखावज के बोल नोम तोम अर्थहीन हो पर हैं शब्द अतः काव्य और संगीत दोनों में ही शब्द और नाद है तो जैसे ही पंत जी ने भी बोला है वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान संस्कृत साहित्य में संगीत काव्य दोनों को सरस्वती के स्तन द्वय कहा गया है दोनों की अधिष्ठाती देवी सरस्वती है अतः दोनों की श्रेष्ठता समान है मिल्टन ने भी यही कहा है कि काव्य और संगीत परस्पर बहने हैं दोनों का एक दूसरे से बराबर संबंध है क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों ही बेकार है संगीत का सर्वश्रेष्ठ स्थान अगर हम इस तरह से देखें तो उसके दृष्टि में क्या कहा गया है जैसे दोनों का अगर हम विश्लेषण करें दोनों मतों के उपरांत भी संगीत की श्रेष्ठता को स्वीकार करना ही पड़ता है क्योंकि संगीत का ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है इसे सिद्ध करने के लिए हम संगीत के पक्ष दे सकते हैं वास्तु मूर्ति और चित्रकला से उच्च स्थान काव्य कला और संगीत कला का है इसका विश्लेषण हो ही चुका है तो काव्य और संगीत की तुलना अगर हम कर देंगे तो देखते हैं संपूर्ण जगत जब प्रभावित होता है एक पॉइंट यह है और दूसरा शिक्षा और भाषा की बाधा उनकी क्या है आत्म अध्यात्म से संबंध जैसे स... में जो रिचाएं हैं जिनकी हम जिनको पूजा के लिए जिनको पूजा के लिए हम अगर गाते हैं तो इक, अगर हम इसमें इस तरह से गाते हैं अगर हम उसको आ, कोई भी आ, सामवेद के टाइम पर जब ऋग वेद में जो वेद कर, हमने जब बताए थे कर, वैदिक में में चार वेद ऋग्वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद कुछ ऋचाएं थी जैसे मंत्र होते हैं हम आजकल उन मंत्रों को जब हम गाय फॉर्म में करते हैं और सामवेद में जितनी भी ऋचाएं और गा, गायन के रूप में होती है वो हमारे संगीत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेद था जिसमें कि रिचाए गा के उसका अलग ही इफेक्ट होता था जब हम उसको गे रूप में प्रस्तुत करते थे यज्ञ होते थे अशु में एक यज्ञ या बड़े बड़े यज्ञ उसमें जब सारे पंडित ब्राह्मण एक साथ जब गायन करते थे तो ऐसा लगता था कि बस ये गाएंगे और ये तुरंत देव आ जाएंगे हमारे सुनने के लिए और इसी तरह से जब गांधर्व ऊपर से आते थे उसको सुनने गाने के लिए तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए संगीत को माना जाता था कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप बिल्कुल मन से तन मन धन से तपस्या करे करके आप बिल्कुल खो के उसको डूब के गाइए तो आपको सीधे सीधे मोक्ष मिलेगा तो सीधा सीधा भगवान से तारतम्य स्थापित करने की का माध्यम संगीत था तो गंधर्व में जब ये गंधार ग्राम वगैरह थे उस समय यही था प्रचलन लेकिन जब धीमे धीमे आम जनता में संगीत को आसान करने लगे और वो इतना मुश्किल रूप नहीं लोग कर पा रहे थे तब धीमे धीमे उसका रूप बदलता चला गया ये तो हो गई वेदों की बात जो कि वेदों में आप लोगों ने बस खाली हम सब लोगों ने पढ़ा ही पढ़ा है बस और कुछ नहीं हम उस टाइम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये फील करके बताए कि सचमुच में ऐसा था हमने कहानियों की तरह से पढ़ा और मान लिया लेकिन इतनी चीज तो हम लोगों को भी पता है कि जब ये तानसेन थे तानसेन बैजू बाबरा स्वामी हरिदास जी उस टाइम के बड़े ग्रंथ कवि ये लोग थे तो इस उस समय अगर ये वो थे जो ये कहानियां तो पढ़ी होंगी थोड़ी सी अगर तानसेन की बैजू बाबरा की हरिदास जी की इनकी जीवनियां अगर पढ़ी हैं आप लोगों ने बचपन में कभी भी पढ़ी होंगी क्लासेस में तो उसमें ये देखा था ना कि अगर वो अः तानसेन ने दीपक राग गाया तो एकदम आग सी जलने लगी चारों तरफ और गर्मी प्लस एक बार फिर एक बार जब दरबार में ऐसा हुआ कि भाव विभोर हो गए गायन चल रहा था राग गायन उन्होंने कोई आया अंगूठी लेके चला गया पता ही नहीं चला वो इतना गाने में मगन थे कि, कि किसी को पता नहीं चला क्या हुआ फिर दोबारा से उन, उनको कहा गया कि भैया ये तो वापस अंगूठी गायब हो गई तो अब क्या करें अब दोबारा से आप ऐसा फिर से गाओ देखते हैं कि कैसे आता है कि हिरन आके ऐसे ले जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा ऐसा कैसे हो सकता है फिर उन्होंने दोबारा उसको गाया तब पता चला कि वो एक आया हिरन वापस उनको देके गया उनकी अंगूठी को तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें होती थी बारिश अगर मल्हार गा रहे हैं बिल्कुल दिल दे से तो पता चला बारिश हो जाती थी इतनी उनके गायन में इतनी शक्ति होती थी कि आग जला दें दीपक राग गा के बहुत मेघ मल्हार या मल्हार या सारंग गा के एकदम से बारिश करा दें बारिश का माहौल हो जाए तो ये सब कैसे हो सकता है ये तभी हो सकता है जब उस, उस गायन में उस संगीत में इतनी शक्ति हो कि वो पूरी तरह से उसको डूब के अगर हम गाएं तो वो इफेक्ट आ जाए तो आजकल के में इतना नहीं है लेकिन हाँ उस समय ये वाली शक्ति थी संगीत में कि वो कुछ भी मोक्ष प्राप्ति के लिए और कुछ भी करने के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था संगीत तो ये हो गया अध्यात्म से संबंध हो गया एक होता है केवल नाद महत्वपूर्ण संगीत और काव्य दोनों में नाद महत्वपूर्ण है जो विचारक ये मत रखते हैं कि संगीत शब्द के बिना पंगु है वो ये भूल जाते हैं कि वाद्य संगीत में कोई शब्द नहीं होते उनका प्रभाव और आनंद भी उतना ही होता है जितना कि किसी गीत अथवा कंठ संगीत का हाँ एक ये भी पॉइंट है कि अगर हम हमारे पास शब्द नहीं है हम ये कहते हैं ना कि जो हम जो काव्य में जो शब्द हैं उसी को हम गा रहे हैं बंदिश को स्वर और ताल में निबद्ध करके लेकिन शब्द नहीं है तराना है जैसे नोम तोम के निरर्थक शब्द है कोई शब्द का मतलब नहीं है लेकिन फिर भी हम अगर उसको राग के शब्दों के अंतर्गत राग की विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम उसे निबद्ध करके गाते हैं उसका इफेक्ट अलग आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है जबकि उसमें शब्द कुछ भी नहीं है तो या वाद्य बज रहा है धार तक तबला बज रहा है दार दिड़ दारा दार दारा दार दार वो बज रहा है सितार इसमें तो शब्द नहीं है एक भी शब्द नहीं है उसके जो बोल है दार दि दारा दिर दिर दारा ये सब शब्द हैं लेकिन वो जो चूंकि राग के स्वरों में निबद्ध है तो वो सुंदर लग रहा है देखने में जैसे गायन शैलियां मैंने कल भी बताएंगी थोड़ी सी कि गायन शैलियां आपके ख्याल, ख्याल गायन में तो सीधा सीधा बंदिश हो गई जो आपके पास शब्दों में है उसको हमने गा दिया ठीक है राग राग के अंतर्गत के अंतर्गत ध्रुपद धमार में भी एक बंदिश होती है जिसको हमने लयकारी के माध्यम से ताल के माध्यम से उसको स्पष्ट किया लेकिन तराना तिल्लाना कर्नाटक में तिलाना बोलते हैं इसे इसी गायन शैली को और उत्तरी भारत संगीत में तराना इसका वो भी बता देते हैं आपके इसमें गायन शैलियां भी हैं आपके इस कोर्स में आपके सिलेबस में तो इसलिए इसका ये तराना जो है ये तब आया ये हमारे जब मुगलों का आक्रमण हुआ उत्तर भारत संगीत में उत्तर भारतीय संगीत में जब हिंदुस्तानी संगीत में जब ये मुगलों का आया तो सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत भाषा का बहुत प्रचलन था पूरी तरह से सारे ग्रंथ संस्कृत में होते थे गाने की जो वो होती थी बंदिशें वो भी संस्कृत प्रधान होती थी क्लिष्ट होती थी तो जब मुगल्स आए तो उनको समझ में ही नहीं आया वो भाषा तो उन्होंने कहा राग वाग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं रागों की विशेषताएं बहुत अच्छी हैं इनके जो स्वर हैं ये बहुत अच्छा अपील कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने ख्याल गायन बनाया कि ख्याल का मतलब ख्याल कल्पना यानी कि कल्पना आपकी मन में आपकी क्या कल्पना चल रही है उस उसको कुछ भी एक बंदिश ली सिंपल सी कोई भी दो लाइन की बंदिश उसको अपने ख्याल से उसको आपने कल्पना से उसको विस्तार किया उस राग के अंतर्गत और उसको दिखाया विस्तार करने में सबको पता ही है कि अगर ख्याल में दो तरह के ख्याल होते हैं विलंबित ख्याल और छोटा ख्याल द्रुत ख्याल दो चीजें हैं विलंबित ख्याल यानी कि बड़ा ख्याल इसको सितार वाले बच्चे मसीद खानी गत के नाम से जानते हैं बड़ा ख्याल यानी कि विलंबित ख्याल जो कि धीमी लय में गाया जाता है इसके बाद दूसरी दूसरा ख्याल दो प्रकार इसके होते हैं द्रुत ख्याल यानी कि छोटा ख्याल यानी कि रजा खानी गत ये चीज हो गई जो द्रुत ख्याल में करते हैं फिर इसको तान और इनको सजाने का तरीका वही है सिंपल अलाप उस राग के हिसाब से अलाप में बोला लाप जो उस बंदिश है उस उसके बोल उसमें लगा दिए बोला लाप हो गए जब अलाप हो गए उसके बाद ताने लय बढ़ा के ताने जब ताने ले रहे हैं तो ताने में भी एक तो सिंपल शब्दों के नीरे गेसा नीरे गा गेसा नीरे गामा पामा गरेसा ये तो तान की बढ़त हो गई अगर हम इस तान में शब्द बंदिश के डाल देंगे तो बोल तान हो जाएगी इस तरह से अलाप और तानों को जब हम मिक्स करके उसको करते हैं लास्ट में तिहाई करके खत्म करते हैं तो ये तो हो गया है, ख्याल ख्याल गायन फिर भी कुछ ख्याल ऐसे थे कि नहीं ख्याल भी गाने की शब्दों को भी जैसे बड़ा ख्याल है बड़ा ख्याल में शब्दों को इत, इतना ज्यादा उसको बड़ा कर देते हैं कि शब्द नहीं नजर आते शब्द नहीं दिखाई पड़ते हैं बस उसको उसका जो विलंबित अति विलंबित लय में कर देते हैं तो वो लय बहुत बढ़ गई तो शब्द तो टूट गए तो शब्द का इतना महत्व नहीं रहा छोटे ख्याल में रजाकानी गत या द्रुत ख्याल या छोटा ख्याल इसमें तो ऐसा संभव है छोटे वाले छोटे ख्याल में कि आपको पूरे शब्द बंदिश के समझ में आ जाएंगे और वो अच्छे लगेंगे पर बड़े ख्याल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसकी लय इतनी बढ़ा देते हैं कर देते हैं कि कहे कैसे बिल्कुल ऐसे उसको गा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि है क्या जैसे एक मैं आपको बताती हूँ का Say da. संदेश है बड़े ख्याल की इतना लंबा इसको विलंबित कर दिया कजरा झरे अगर हम मुझसे भी कोई पूछेगा जो मैंने अभी गाया है इसको हम एक लाइन में बता देंगे तो एकदम से मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो गा के तो हमें पता है कि उसको इतनी इसलिए में गाना है और हमने आपको सुना दिया लेकिन उसके शब्द लिखे जाएंगे लिखेंगे तो पता चलेगा हाँ एक लाइन में ये इसके शब्द हैं तो वो टूट के उस शब्दों का प्रभाव खत्म हो गया कजरा कैसे डारू नैन झरे पियरवा बिना ये है इसका मतलब लेकिन पी हरवा उसको इतना खींच के उसको विलंबित कर दिया कि वो उसका शब्दों का महत्व कम हो गया इसलिए ये बड़े ख्याल में ये चीज लागू हुई जब तो पता चला कि फिर एक नई शैली बनी इनकी तराना नोम तोम निरर्थक शब्द है उसमें ताना देरे तेरे दे रहे ना कि उसका शब्द नहीं है लेकिन हाँ किसी राग के अंतर्गत है जैसे मैं आपको एक बंद एक सुनाती हूँ स म ग म द म ग म नी सा ग म सा म दीम त नाना दी देर तीता दीम दीम तना देर तानी ना दी दिर तो ना दीम तना दी देर तानी बिल्कुल कोई शब्द में इसमें मतलब नहीं है कोई किसी तरह का वो नहीं है लेकिन किसी राग के अंतर्गत है उस राग में जब हम इसको सुनते हैं तो ये सुनने में अच्छा लगता है बिल्कुल बिना शब्दों के तो इसलिए ये तब जब उनको आ, मुगलों को ये शब्द हमारे यां के यां के समझ में नहीं आए संस्कृत के लिए शब्द तो तो उन्होंने सबसे पहले तो ख्याल गायन बनाई उसके बाद एक और बहुत बड़ा काम किया। पखावच उस समय हमारे यहाँ चलती थी ढोलक और तबले के बीच किसी चीज समझ लीजिए ढोलक होती है सिंपल सी उसमें वो तो दोनों साइड से एक सी होती है ढोलक जब बजाते हैं पखावच थी जिसमें एक तरफ का छोटा था मुंह और दूसरी तरफ का बड़ा था ये एक, एक इस फॉर्म में बजाते थे और वो आ, क्लासिकल में ज्यादातर शास्त्रीय गायन में या वादन में प्रयुक्त की जाती थी फिर जब ये इन्होंने क्या किया पखावाज के दो टुकड़े कर दिए काट के उसको ऐसे बैठा दिया तबला बना दिया उसका एक तबले में आप लोग देखते हैं एक तरफ का छोटा मुंह है दाहिना तबला और एक बाया जिसमें कि डग्गा जिसमें कि बड़ा वाला है इसी इसी को जब ऐसे करके जब पखावज होती थी तो उसमें एक तरफ छोटा होता था एक तरफ बड़ा होता था जिसमें कि अः चर्म से जानवर की चमड़े से उसको बना के और उसमें स्याही काले रंग का एक कुछ ऐसा होता है ना उसको एक काले रंग की स्याही बोलते हैं उसको पोट के उसको बना के फिर उसको बद्दी से रस्सी से बांध के उसको एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में बनाया जाता था ताकि एक तरफ से उसको ऐसे करके अब प्रॉपर इस तरह से बसता था वो ढोलक की तरह से तो वो नहीं बैठने की उनको नहीं समझ में आया कि ये इसको मुश्किल लगा आसान नहीं था तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा नया एक्सपेरिमेंट करते हैं अच्छी भी बात है देखिए कोई भी चीज आसान करने के लिए और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में आ, प्रचारित करने के लिए ज़्यादा आसानी से लोग बाग आम जनता उसको खुश हो खुश होकर उसको बजा सके समझ सके उसको उसमें हेल्प कर सके तो उसको ऐसे परिवर्तन में कोई बुराई नहीं है कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो लीक पे हमारा चल रहा है कि यही है तो ऐसे ही बज, बजना चाहिए हमेशा अच्छी परंपराओं को अपनाना चाहिए खराब या क्लिष्ट मुश्किल वाली परंपराओं को छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है इसी तरह से जो कहते नहीं है कि झूठी गलत तरह की रूढ़ियाँ हैं धारणाएं पुराने टाइम की बनी हुई हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको खत्म कर दिया जाए क्योंकि उन समय तत्कालीन क्या परिस्थिति थी जिस समय की वो बनी थी और उस समय शायद सही थी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो पूरा समाज का जो एक तरीका था वो हमने उस समय नहीं देखा तो जो किताबों में जो हमने देखा वो तो अपने हिसाब से व्यक्ति ने खुद लिखा ना तो जो उसको फील किया उसने अपने हिसाब से लिख लिया अब वो निगेटिव भी हो सकता है बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है एग्जैक्टली exactly वो कितना कितना पॉजिटिव है और उस समय की क्या स्थिति थी, थी ये किसी को नहीं पता हम इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं इसलिए उस इमेजिनेशन में अगर हमें ऐसा लग रहा है कि उस समय हो सकता है बहुत अच्छी बात हो और आज की परिवेश में आज की परिस्थिति में वो उतना अच्छा नहीं है तो उसको खत्म कर देने में कोई बुराई नहीं है तो इसलिए ऐसी परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए तो ये आप क्या गए तराना कोई भी गायन शैली के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं अब जल्दी से एक छोटा सा एक लास्ट में एक चीज आ जाती है असली चीज जब इन कलाओं में हमें सौंदर्य की वो होती है कि हमें कैसे सौंदर्य को कैसे हम फील कराए हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से अलग तरीके से अधिकार है कि हम उसको उस तो सौंदर्य को किस तरह से वो अभिभूत हो रहा है उनसे अब सौंदर्य के तो एक सौंदर्य तो इतना बड़ा एस्थेटिक्स इतना बड़ा इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है इतना काम हो चुका है बहुत बड़ा शीर्षक है ये कि कैसे है इसको अगर हम मुख्य रूप से अंतर करें दो तीन चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सत्यम शिवम और सुंदरम ये तीन चीजें हैं सुंदरम तो लगी रहा है सौंदर्य लेकिन इस सौंदर्य यानी कि एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र इसके अंतर्गत मुख्य तीन चीजें आती हैं सत्यम शिवम और सुंदरम अब कोई चीज हमें अच्छी लग रही है मान लीजिए एक फल बनाए किसी ने बनाने वाले ने मूर्तिकार ने किसी ने ठीक है सेब बनाया एक केला बनाया एक ग्रेप्स बनाए अब ओरिजिनल कलर्स में बनाया उन्होंने बहुत सुंदर लगा लाल रंग का सेब बनाया ग्रेप्स बनाए ग्रीन भी बनाए ब्लैक भी बनाए बहुत अच्छे लग रहे थे सुंदर से अब अगर उन ग्रेप्स को नीला कर दें बिल्कुल पीला रंग कर दें ऑरेंज कलर के बना दें ग्रेप्स तो कितना आपको अंदर से कितनी परेशानी होगी कि क्या है ये कौन सा फ्रूट है ये ये तो ग्रेप्स लग रहे हैं देखने में तो ग्रेप्स लग रहे हैं लेकिन ये तो कलर ऑरेंज है ऑरेंज कलर का तो ग्रेप होता ही नहीं है कभी कभी नहीं हो सकता ग्रीन हो सकता है ब्लैक हो सकता है थोड़ा लाइट डार्क ग्रीन भी हो सकता है पर ऑरेंज कलर का ग्रेप तो कभी हो ही नहीं सकता इसी तरह से ब्लू कलर का बना दिया उन्होंने ब्लू कलर का सेब एप्पल ब्लू कलर का कहीं हो ही नहीं सकता तो आप सोचेंगे ये एप्पल देखने में तो एप्पल जैसा है बिल्कुल इसकी शेप एप्पल जैसी है इतना ब्लू कलर ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा लेकिन अगर आपने उसने बिल्कुल ओरिजिनल कलर में बनाया होगा एकदम शेड देके बढ़िया सा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कितना ओरिजिनल है इसको देख के ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है तो बिल्कुल हो सकता है सही वाला हो मतलब आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ये पत्थर का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है या सचमुच का सेब रखा है मन करेगा कि आप इसको चलो खा के देखते हैं कितना सुंदर है भूख सी लग रही है मन भी कर रहा है कि इतना अच्छा सा सेब रखा हुआ है इसको खा लेते हैं आप उसको उठाएंगे देखेंगे अरे ये तो यार पत्थर है तो इतना ओरिजिनल लग रहा है कि हमें बिल्कुल ओरिजिनल वाला लगा वापस रख देंगे लेकिन क्या फील हुआ आपको कुछ अच्छा फील हुआ बहुत की तो बिल्कुल इतना ओरिजिनल है उसी का विपरीत होगा अगर आपने जरा सा भी कलर में टेढ़ा मेढ़ा कुछ हुआ कि ये देखने में तो सही लग रहा है लेकिन कलर में मजा नहीं आया तो आपको अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं होगी कि ये सब्जी और फ्रूट्स जो कि ओरिजिनल हमें हम खाते हैं उनको रोज देखते हैं लेकिन हमें बिल्कुल डिफरेंट कलर में डिजाइन बना दिया नहीं अच्छा लगे इसके विपरीत पेंटिंग है पेंटिंग में भी यही चीज है सीनरी है सीनरी की पेंटिंग है सब चीजें ओरिजिनल दिखाई हैं बहुत अच्छा लगेगा कल कल करता हुआ झरना पानी वाला और बाहर पूरी पहाड़ ब्राउन कलर के मिट्टी के या बर्फ के दिखा रहे हैं तो वाइट कलर के और पेड़ दिखा रहे हैं उसमें पेड़ और झाड़ी घास दिखा रहे हैं तो ग्रीन कलर की सब ओरिजिनल है बिल्कुल ऐसा लगेगा कितनी अच्छी जगह है मन कर रहा है ऐसी जगह पे हम भी जाए बैठे घूमे खुद जाके वहां फील कर रहे हैं इस बर्फ के पहाड़ के पास कितना अच्छा लगेगा कि ये बर्फ ऐसे लग रहा है हाथ पकड़ लो इनको लेकिन है ये बहुत दूर हमसे ये खाली पेंटिंग है इसमें अगर उनको इसने चित्रकार ने अपनी भावों के अनुरूप थोड़ा सा और ब्राइट कर दिया उसको लगा ये सफेद सफेद सी पूरी दिखा रहे हैं बर्फ ही बर्फ इसमें कुछ कलरफुल भी चीजें दिखा दो तो ये म, चित्रकार की अपनी मनोभावना है कि उसको मन किया कि इतना सफेद सफेद डल नहीं करना हमें कुछ और अच्छा करना है तो वो अपने मन से कर देगा वो अच्छा अब उसको देखने वाले कैसे फील कर रहे हैं क्या फील कर रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो उनको बहुत अट्रैक्ट हो कि एक सीनरी तो ये आ, किसी पहाड़ी स्थल की है कश्मीर की या कुछ या ऐसी जगह की जहाँ बर्फ पड़ रही है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है लेकिन ये कितना ब्राइट सा कुछ चीज में दिखा दिया है इस पर नजर जा रही है एक बहुत अच्छी सी चीज दिखाई है सिम्बॉलिक रूप में शायद किसी चीज का मैसेज देना चाह रहा है चित्रकार कि ऐसे माहौल में भी आपको ये चीज मिल सकती है और सुंदर लग सकती है आपका वहां जाएगा तो बहुत अच्छा फील भी हो सकता है तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास चित्रकार के माध्यम से संगीतकार के माध्यम से या कवि के माध्यम से या मूर्तिकार के माध्यम से हमारे पास क्या चीज हमें दिखाई पड़ रही है और क्या चीज हम उसको उस, उसको देख के फील कर रहे हैं अब अब इन तीन चीज में जो हमने बताया सत्यम शिवम और सुंदर इन तीनों चीजों में अगर हम सबसे पहले सत्यम सत्यम लिया अभी हमने जो आपको दिखाया बताया सत्यम सत्यम मतलब सत्य ओरिजिनल ओरिजिनलिटी कि अगर हम किसी चीज में जो हम देख रहे हैं या दिखा रहे हैं उसमें कितना सत कितनी उसकी सत्यता है कितना उसका ओरिजिनलिटी उसमें है सच सही में कितना है और गलत कितना है मतलब ओरिजिनल और एक बनावटीपन सिर्फ हम अपनी खुशी के लिए बना रहे हैं ये इन दोनों में क्या फर्क है ये आपका हो गया दूसरा आ गया शिवम शिवम का मतलब कल्याण तत्व शिव से मतलब है जैसे शिव आ, शिव भगवान को कल्याणकारी माना है कैसे माना है वो इस तरह से माना है कि अगर कहीं पे जैसे शिव जी ने पूरा समुद्र मंथन किया था असुर और दैत्य और एक तरफ देवता जब उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी सब अपने अपनी प्रभुत्व अपनी अपनी प्रभाव के लिए अपनी अपनी ईगो के लिए अपनी अपनी जरूरतों के लिए लड़ रहे थे कि हमें हमारी बात सही है दैत्य कह रहे थे हमारी बात सही है हमने इतनी मेहनत करके ये चीजें ढूंढी हैं अमृत मिला है ये देव कह रहे थे कि अगर इनको ये सब चीजें मिल गई असुर को तो ये तो सब जगह मारकाट फैला देंगे बिल्कुल चारों तरफ सबको बहुत तो इनको इनकी आप हानि वो कीजिए असुर कह रहे थे कि हमारी मेहनत का ये सब नतीजा है देव तो भगवान के देवता तो ऊपर से आ गए बस और आके उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमें ये चाहिए हमें ये हमारा है ये हमारा है क्यों मेहनत हमारी है हमें अपना अधिकार चाहिए हमारे अंदर ताकत ज्यादा है तो जब इनकी जब निपटारा हुआ लड़ाई हुई तो शिव ने कल्याण का मार्ग अपनाया पूरी तरह से उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन में हम मंथन कर रहे हैं जिसकी जो भी जरूरत की चीजें हैं जिसका जो जो भी अधिकार है हक है वो उनको मिलना चाहिए और मिलेगा तो उस समय जितना भी विष खराब चीजें जो भी मिली वो उन्होंने खुद उसको ग्रहण कर लिया गले पे सबको पता है कि शिव जी ने एक शिव पूरा वो एक शिव मतलब विष पूरा पी लिया था जिससे उनका पूरा कंठ नीला हो गया था और सिर्फ इसलिए कि बाकी सारे लोगों को परेशानी ना हो और हम सबका कल्याण करें उन्होंने पूरी तरह से कल्याण का मार्ग अपनाया था कि कल्याण रहे बिल्कुल सब कल्याण मतलब आम जनता असुर दैत्य और ये देवता सबका कल्याण हो कोई किसी को हार ना पहुंचाए कोई किसी को लड़े नहीं और अपने अपने जगहों पर अपने अपने फील्ड में अपने अपने क्षेत्र में आराम से रहे तो उस समय की ये वाली चीज जो मैंने बताया कल्याणकारी उसी उन्हीं कल्याणकारी ईश्वर भगवान शिव जी उन्हीं के आधार पर इसमें एक शिवत्व एक कॉन्टेक्ट एक गुण जो लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम में वो शिव उन्हीं शिव से आया है जो शिव तत्व यानी कि कल्याण तत्व है वो कल्याणकारी है हर तरह से और वही हम सब लोगों को दिखता है अगर हम आपको इसमें देखते हैं कल्याणकारी का मतलब जैसे चित्र में ही देखते हैं चलिए चित्रकला है चित्रकला में हम अगर ऐसे वाले चित्र देख रहे हैं जिससे कि हमें कुछ सबको सबका कल्याण हो रहा है जैसे कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए दूसरी साइड में आप जा रहे हैं डस्टबिन में कूड़ा डाल रहे हैं साफ सफाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल हो रहा है या जैसे सीनरी का बताया पूरा चारों तरफ बहुत रमड़ी का स्थल है और बहुत सुंदर जगह है ये तो आपके उसमें होगा एक कल्याणकारी चीज है अब अगर आपको ऐसा वाला दिखाई पड़े कि चारों तरफ से चार हाथ हैं एक लड़की को पकड़ रहे हैं या वो लड़की बहुत रो रही है खून के आंसू रो रही है बहुत परेशान हो रही है चारों तरफ से उसको लोग परेशान कर रहे हैं तो ये कल्याणकारी चीज नहीं है और आपको खराब लगेगी लेकिन उसमें मैसेज जो आएगा जो मैसेज दिखाएंगे वो मैसेज ये है कि वो लड़की परेशान है लेकिन हमें उसको परेशान नहीं होने देना है और हर तरह से इस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि किसी भी तरह के अराजक तत्व किसी भी तरह के खराब व्यक्ति लोग मनुष्य उस व्यक्ति उस औरत उस बालिका का वो परेशान ना कर पाए और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे तो वो हमें ये कल्याणकारी ये चीज देखनी है लेकिन वो जो उसका कॉन्सेप्ट है वो दोनों तरह के हो सकता है कि जो हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो कितना कल्याणकारी है उसके हिसाब से हमें वो अच्छा फील होगा देखकर अगर हम किसी खाली ऐसी देखेंगे कि लोगों को मार रहे हैं अगर हमको कोई ऐसी पिक्चर दिखाई जाए कि जिसमें कि एक ट्रेन है वो जल रही है धू धू करके और सब लोग मर रहे हैं उसमें और आधे कट रहे हैं किसी का हाथ टूटा पड़ा है किसी का पैर टूटा है और वो सब खून निकल रहा है और रो रहे हैं सब तो वो नहीं अच्छा लगेगा देखने में बहुत अंदर से खराब फील होगा कि ये ये नहीं होना चाहिए लेकिन उसके विपरीत अगर आपने ऐसा कुछ देखा कि बहुत सुंदर है वो ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ लेकिन डॉक्टर्स और सब लोग नर्स आ गए और उनको प्रॉपर तरीके से उसको ए, ए, सही जगह पे ले जाया जा रहा है किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास उसका फर्स्ट एड हो रहा है वहीं पे और सब काम हो रहा है और सब सही हो रहा है तो वो कल्याणकारी उसमें तत्व तो आ जाएगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा तो ये उसमें होना चाहिए कल्याणकारी तत्व तो कितना है ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो हमें जो दिखाई पड़ रहा है उसमें हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं अब तीसरी चीज इसमें आती है सुंदरम सुंदरम का मतलब सुंदर कोई चीज सुंदर है तो सुंदर है कोई एक फोटो है मूर्ति है सिंपल सी ठीक है वो सुंदर है अब ए, जैसे गाने को ही अगर हम लेते हैं चलिए गाने में संगीत में ले रहे हैं किसी की आवाज बहुत सुंदर है बहुत सुमधुर आवाज है उसने कुछ भी गाया अब हमने तराना गाया चाहे गीत गाया किसी और को समझ में आया या नहीं आया कोई म्यूजिक वाले बच्चे नहीं है तो राग उनको समझ में नहीं आएगा ठीक है अब तराना है जैसे म्यूजिक वाले लोग होंगे वो तो तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये उस राग का है तो उनको उससे रिलेट करेंगे कहेंगे इस राग में तो ये वाला गाना भी है इस मूवी का गाना भी है ये इसके राग के स्वर ही इतने अच्छे हैं कि इसलिए अच्छा लगा हमें हमें नहीं पता कि उस तराने से क्या मतलब था दीन दिन तो तराना क्या था लेकिन हमें वो सुनने में अच्छा लगा क्योंकि हम उस राग को समझते हैं अब एक चीज आती है कि रागों के बारे में किसी को नहीं पता एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आया जिसको पता ही नहीं है कि राग कौन सा राग होता है रागेमन क्या होता है भैरव क्या होता है भैरवी क्या होता है मालकोस क्या होता है कुछ नहीं पता उसे लेकिन सुना उसने तो अगर सचमुच में वो गाया गया है जो है वो सही गाया गया है उस राग के अंतर्गत शुद्धता से गाया है और उसकी आवाज भी बहुत सुरीली है तो वो सुंदर के अंतर्गत आएगी ऐसा तो व्यक्ति भी उसमें बहुत खुश होगा आनंदित होगा सुनने में जिसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा ना शब्द समझ में आ रहे हैं, ना राग समझ में आ रहा है ना बंदिशे समझ में आ रही है ना उसके ताल समझ में आ रही है उसको ना उसे ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सा राग इसमें कोमल है कौन तीव्र है किस समय का राग है ये कुछ नहीं पता उसे लेकिन उसे फिर भी अच्छा लग रहा है तो ये एक कुछ चीजें ऐसी हैं कि सुंदर है बहुत सुंदर अच्छा लगा लेकिन फिर भी इसी उसी इसीलिए मैंने बस ये जो उदाहरण दिया तराना का अगर मैंने तराना गाया ठीक है केवल अब इसको तीन चार तरीके के लोग इसको तीन तरीके के लोग सुने तो जिसको राग के बारे में बिल्कुल पता है आर्टिस्ट लेवल का है और वो सोचेगा कि बिल्कुल शुद्धता से इन्होंने राग गाया तो कहेगा बहुत ही सुंदर गाया बढ़िया गाया दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ शब्द नहीं है शब्द होते तो और अच्छा लगता तीन दिन तर तराना हाँ, गाने में सुंदर आवाज लग रही थी बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है ठीक लगा लेकिन अगर कोई गाना होता फिल्मी सॉन्ग होता या कुछ शब्द होते तो बहुत अच्छा लगता तीसरा व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं पता है शब्दों के बारे में और राग के बारे में वो क्या कि हाँ आवाज अच्छी थी आवाज तो अच्छी लग रही थी मधुर लग रही थी गाया पता नहीं गाया क्या लेकिन ये नहीं पता अब क्या है ये जो चीज हमने बताई सत्यम शिवम एंड सुंदरम ये तीन चीजें हैं जो उस कलाकृति या उस बंदिश या उस कविता या उस चित्र या उस मूर्ति किसी भी चीज में ये पांचों तरह की जो ललित कलाएं हैं इसके अंतर्गत अगर हम सौंदर्य को देखें एस्थेटिक सेंस ये सबका अलग अलग होता है और सबके अंदर अलग अलग तरह की प्रतिभा होती है गाने या बजाना या बनाने में और उसको अभिभूत करने के लिए समझने के लिए खुश होने के लिए उसको फील करने के लिए और उस चित्रकार कलाकार या मूर्तिकार के भावों को फील मानने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए ये हम सब लोगों की लोगों की अभी मतलब जो कैपेबिलिटी कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है वो भी सबकी अलग होती है तो दो तरह की चीज हो गई एक तो उस व्यक्ति जिसने बनाया है या जो शो कर रहा है उसकी अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी प्लस जो सुन रहा है या देख रहा है उसकी अपनी कैपेसिटी अपनी मनोदशा दोनों पर निर्भर करता है इसलिए सौंदर्य एक बहुत वाइड बड़ी गुड़ तरह का एक पॉइंट है जिसमें आपको बहुत किताबें और बहुत मटेरियल मिल जाएगा तरह तरह का मटेरियल मिल जाएगा उसके उपादान चार तरह की पांच तरह के उसमें उपादान होते हैं क्षेत्र संतुलन समता ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम आपको बताएं तो एक बहुत बहुत एक सौंदर्य टॉपिक को अगर हम चार एपिसोड में भी करेंगे चार लेक्चर्स में भी तो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो ये आप लोग देख सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से आप संगीत में उसकी मेन जो महत्व है वो कैसे है क्यों है और कहाँ तक है ये सब आपको समझने की जरूरत है तो ये जो बेसिक चीज उसमें यही है कि सत्यम शिवम और सुंदरम अगर हम कोई भी चीज हम देख रहे हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो उसमें कितना सत्य है सत्यता का पार्ट कितना है उसमें शिव तत्व कितना है यानी कि कल्याणकारी वो कितना है तीसरा पॉइंट आता है कि वो सुंदर कितना है सचमुच में उसमें सुंदरता के क्या तत्व है सुंदरता के तत्व बहुत सारे हैं समता सीधा ये कुछ है इसके जो थ्योरिटिकली बता दिया है जैसे थ्योरिटिकली तो आपको हर बुक में अलग अलग तरह से मिल जाएगा ठीक है तो ये तो आप लोग देख लेना जैसे मैं एक, एक चीज थी हाँ मेन मेन चीजें जरा देख लीजिए सौंदर्य के तत्व और संगीत है ना इसमें एक ये है मेन तत्व जो जरूरी है उसमें होने अनुपात उनका प्रपोशन मतलब जैसे अगर आप कोई एक लड़की बना रहे हैं ठीक है लड़की को आपने सुंदर से बनाया बहुत सुंदर बना दिया कलरफुल कर दिया लेकिन उसके पैर को एक छोटा कर दिया बड़ा कर दिया सामने सामने या उसका फेस को इतना बड़ा कर दिया फेस के फेस सही है बहुत सुंदर है उसके अंदर नाक इतनी अजीब सी बड़ी सी बना दी तो संतुलन नहीं हुआ जो आपके पार्ट्स हैं बॉडी के पार्ट्स क्लियर होता है ये ये डा, कला कला वाले सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि संतुलन कितना जरूरी है इसमें प्रपोर्शन बहुत जरूरी है अगर आप कोई फिगर बना रहे हैं अगर प्रपोर्शन सही नहीं है कितनी भी प्यार से बनाया है आपने और कितने भी सुंदर कलर की हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा स्पेशली मानव कलाकृति मानव की कलाकृति लड़की लड़का या सरस्वती जी कोई भी चीज को अगर हम बना रहे हैं क्योंकि सबको पता है सबका प्रपोर्शन आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ अलग से कर देंगे कि हाथों को बहुत लंबा कर दिया या मुंह को इतना बड़ा सा अजीब सा बना दिया ठीक है गर्दन बहुत ऊंची बना दी या बिल्कुल पिचका दी तो ये बात सही है कि व्यक्ति सब तरह के होते हैं अगर हमें ये कहा जाए कि इस व्यक्ति की मूर्ति बनानी है या इस व्यक्ति की कला मतलब इसका मॉडर्न इसका, इसका रूप बनाना है जैसे पोर्ट्रेट होता है ना जैसे सामने बैठ के जो चित्र बनवाते हैं हमने हम सामने बैठ गए हमें किसी कोई चित्रकार ने बनाया तो वो तो ठीक है अब हमारे अंदर जो कमियां हैं वो कमियां आएंगी तभी तो वो ओरिजिनल माना जाएगा मैं मुझे कोई कह दे कि मुझे कोई बनाया और फिर वो उसने मुझे एज इट इज बना दिया फिर भी मैं उसको देख के कि अरे ये कैसी गर्दन बना दी है ये तो आपने गाल ऐसे बना दिया ये ऐसा तो नहीं है मेरा मतलब हमें खुद देखने में ऐसा लगेगा कि हम उसमें सुंदर नहीं लग रहे अरे सुंदर कैसे लगेंगे जैसी शक्ल होगी वैसे ही लगेंगे तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई कि हम हमारे अंदर जो भी कमी है जो भी जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर हम एज इट इज चाह रहे हैं किसी से बनवाना कलाकार से मूर्ति के फॉर्म में या चित्र के फॉर्म में तो वो एज इट इज बनाएगा और ये बात अलग है कि उसने ज़्यादा थोड़ा सा ज्यादा खराब कर दिया तो हो सकता है वो हमें ना अच्छा लगे हमें लगे कि नहीं ओरिजिनल तो अच्छे नहीं ज्यादा अच्छे अच्छे से तो वो तो उस चित्रकार की कमी हो गई चलो उसने उतना अच्छे से नहीं बनाया लेकिन हम फिर भी चाहें कि हमारी गर्दन है तो छोटी सी लेकिन बनाए वो बड़ी सुंदर सुराईदार गर्दन तो वो नहीं हो सकता क्योंकि उसने ओरिजिनल बनाया है और हमें नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लगेगा लेकिन अगर हम ऐसे ही किसी सुंदर आर्टिस्टिक चीज को एक फॉर्म में बनाने के लिए बेचने के लिए या हम किसी ड्राइंग रूम में सजाने के लिए पेंटिंग या कोई चीज भी हम कलाकृति ऐसी बनाना चाहते हैं जो कि हम उसको सजावट के तौर पे यूज करना है तो उसमें बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए प्रपोर्शन बिल्कुल सही होना चाहिए कभी ऐसा नहीं हो सा होना चाहिए कि उसमें कोई भी चीज को आंखों को कैसा भी टेढ़ा बना दिया भाव को बड़ा सा बना दिया वो उसमें नहीं वो प्रपोशन सही होना चाहिए बस जैसे भी ठीक है तो एक इस, इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है ये देख लीजिए एक तो अनुपात हो गया दूसरा संयोजन उनको आपस में कैसे संयोजित किया है सारे पार्ट्स को सारी चीजों को तीसरा संगति उनकी संगत संगति आपस में कैसी है कलर कॉम्बिनेशन संतुलन बैलेंस उनका बैलेंस कैसा है कि अगर हम किसी कहीं एक जगह बहुत ब्राइट कर रहे हैं तो दूसरी जगह उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें जैसे एक बैलेंस की चीज एक, एक चीज इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे आप लोग को सीरियल्स देखते हैं हम लोग सीरियल या मूवी कोई बनाई जाती है तो उसमें एक बहुत कुछ पार्ट्स बहुत रोने वाला है बहुत दुखी दर्दनाक बिल्कुल तो उसके बाद कुछ ऐसे कॉमेडी वाले पुट जरूर रखे जाते हैं ताकि उससे थोड़ा सा मन और दिमाग शांत दिल थोड़ा शांत हो जाए खुश हो जाए अगर आप लगातार पूरे टाइम दो तीन घंटे तक मूवी में मार काट और परेशानी देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसी मूवी देखने से तो ना देखना बेहतर है सीरियल में भी ऐसे ही है अगर लगातार रोना पीटना मस्ता रहता है तो बहुत खराब लगता है लेकिन उसको इसीलिए बैलेंस किया जाता है कि अगर एक तरफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ दिखाई जा रही है तो एक तरफ कुछ ऐसे जोकर्स टाइप रखे जाते हैं लोगों को जो कि थोड़ा जोक करके या कॉमेडी करके उसको हल्का करते रहते हैं तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है दूसरा नवीनता या विविधता नवीनता को चेंज होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए एज इट इज आपने बना दिया और विविधता कोई चेंज मतलब कुछ डिफरेंस जैसे यही वाली चीज जो हमने बताई कि अगर आप वो बना रहे हैं कोई सीनरी ओरिजिनलिटी अपनी जगह है लेकिन ओरिजिनल में भी आप थोड़ी सी नवीनता दिखा सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपने देखा आपने कि यहाँ पे कोई भी ग्रीन चीज नहीं है तो ठीक है नहीं बना रहे हम ग्रीन लेकिन ठीक है कोई कहीं उस पर उसमें जैसे बर्फ है चारों तरफ ऐसा वाला माहौल है तो उसमें ये तो ये नहीं हो सकता कि कहीं ग्रीन पेड़ ही नहीं हो क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है वहां पे अलग तरह के पेड़ होते हैं अलग तरह के ग्रीन पेड़ होते हैं जिसमें कि बर्फ ना रुके और वो नीचे गिर जाए लेकिन वो होंगे वहां पे ग्रीन हो सकता है आपको ये वाला पेड़ जो यहाँ पे अमरूद के आम के पेड़ मिलते हैं वो आपको बर्फ के बीच में ना मिले लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि उसमें ग्रीन है ही ना क्योंकि आप जो कहीं पर हैं पहाड़ के पास हैं तो हो सकता है चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और बर्फ है आपको ये सोचे कि यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है यहाँ पेड़ कैसे हो सकता है तो ऐसा नहीं है तो आप ये इमेजिन करके कोशिश कर सकते हैं कि वहां पर क्या अच्छा पॉसिबल है वो उस चीज को आपने वहां पे पिक्चराइज कर दिया दिखा दिया दिखा बस तो ये इमेजिन इसलिए करना बहुत जरूरी है कि कुछ नवीनता ला सके कुछ चेंज ला सके जरूरी नहीं है कि जैसा होता है ऐसा ही करना है हमें क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए हम नहीं दिखाएंगे सुंदरता लाने के लिए सौंदर्य उसमें एम, मानने के लिए या विभूत करने के लिए उस ये जरूरी है कि उसके अंदर नवीनता या विविधता हो फिर एक अगला है स्थायित्व स्थायित्व उसकी मतलब वो स्टेबिलिटी हो उसके अंदर एक है जटिलता कुछ कॉम्प्लिसिटी भी हो ऐसा भी नहीं हो कि सीधे सीधा जैसे बच्चों बना बच्चे बनाते हैं पहाड़ बना दिया हम लोग बनाते थे बचपन से सबने बनाया होगा पहाड़ बना दिया उसमें चिड़िया बना दी ऊपर सूरज बना दिया एक बोट बना दिए और एक पेड़ बना दिया ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई कुछ ऐसी चीज भी हो जटिलता की उसमें हमने नाव नाव में दो लोगों को बिठा दिया एक घर में जाते हुए एक एक चीज को दिखा दिया तो कुछ उसमें कॉम्प्लिसिटी भी हो और स्थायित्व भी हो कि वो चीजें ओरिजिनल वहां पर हैं फिर एक अगला पॉइंट इसमें आता है भाव और आनंद उसमें कुछ ऐसी भी चीज हो जिसमें कुछ आपके भाव भी दिखाई पड़ रहे हो जिससे कि आपको सुंदर लगे देखने में जैसे बर्फ ही मैंने बताया अगर बर्फ जैसी चीज वैसे तो आपने बर्फ दिखा दी सफेद सफेद सब दिखा दिया तो बर्फ का क्या मतलब है लेकिन वो बर्फ के बर्फ है चारों तरफ लेकिन उस बर्फ के आसपास पहाड़ के मिट्टी का पुट दिखाई पड़ रहा है कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं उसी में उसी में एस्किमो टाइप का एक कुछ हट टाइप के लोगों ने बना दिया उसमें रह रहे हैं एक पगडंडी भी है उसके आसपास ये इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपने वो क्या चीज उसमें दिखा दी ये तो चित्र चित्र में बता रहे हैं गाने में भी यही है गाने में अब जटिलता है कोई चीज बहुत क्लिष्ट है राग तो अगर हम इसको थोड़ा सा लीनियंट कर दें इजी बना दें ताकि सबको अच्छा लगे तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए और उसमें थोड़ी सी जटिलता भी होनी चाहिए जिससे कि कुछ वैचित्र दिखाई पड़े कुछ डिफरेंस अब अगर हम बात करते हैं सौंदर्य के तत्व और संगीत यही जो हमने आपको बताई है ये सारी चीजें सिमेट्री समता और संयोजन का मतलब सिमेट्री सिमेट्री सही होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने कोई भी वो बनाई बिल्कुल टेढ़ा कर दिया अगर हम गाने में देखा जाए तो सिमेट्री इस तरह से होनी चाहिए कि आपने अलाप में धीमे धीमे उसको बढ़त की थोड़ा और अलाप के बाद उसमें सरगम आई जिसमें कि शब्दों के स्वरों के माध्यम से उसमें लय थोड़ी सी बढ़ाई इसके बाद आती है ताने ताने में आपने लय और ज्यादा बढ़ा दी बिल्कुल जैसे आपने अगर आलाप करें नी रे गे नी रे सा प मा गे मेरे नी रे सा ये तो आलाप हो गए बिल्कुल धीमे धीमे इसके बाद नी रे गे नी रे ग म प प म ग रे ग ये आपने लय थोड़ी सी बढ़ा दी सरगम बन गई नी रे ग रे, 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 रे सा नी रे गरे म ग रे सा नी रे ग म प सा नी रे ग म प ध प म ग सा नी रे ग सा सा नी ध प म ध प म ग रे ग म सा

तानों में जब आपने लय बढ़ा दी बंदिश में भी लय बढ़ गई उसके बाद आपको उसी में तिहाई करनी है जैसे अगर यही वाली यमन की एक बंदिश देखें तो उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं तो बड़ी स्लो में इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि उसमें अलाप हमको दिखाने हैं बोल अलाप दिखाने हैं उसके बाद उसकी बढ़त करनी है तो अगर हमने बंदिश शुरू की अरे पिया सखी कलना परत मोहे घरी पल छीन छीन एरी पिया बेन सखी निर गे निधनी रे सा निर ग मा पा पा मध जब आपने लय बढ़ाएंगे अरे ऐरी आली ने अरे ऐरी आली निर गरे गरे सा नीरे गरे सा। अब लय और बढ़ा दी Hari eri ali piya bina zaki eri ali nire gare sa nire gama pa gare sa nire gama pa gare gare nire sa eri ali piya bina zaki kalana parat mohe ghari pal Çin çin eri ali एरी आली, एरी आली, बेना अब अगर हमने तानों में लय बढ़ा दी तो उसमें वापस नहीं आ सकते उस उसको उसी लय में ही उसको खत्म करना पड़ेगा तो ये एक ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे लेकिन ये संगति और हार्मनी संगति से मतलब ये था कि हार्मनी इन लोगों की एक सी होनी चाहिए जैसे कि अगर हम अगर हम कोई एक डल चित्र बनाते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ एक ब्राइट चीज भी उसकी चारों तरफ लाइन कर देते हैं कुछ ऐसा कर देते हैं ब्लैक कलर से या कुछ की प्रोमिनेंट वो अलग से दिखाई पड़े खाली ऐसे डल कलर्स नहीं हो ताकि उस पर आपकी नजर ही ना जाए तो इसलिए हारमोनी उनकी आपस में कैसी है ये जरूरी है ध्यान रखना संतुलन बैलेंस हम आपको ही चुके हैं और फिर जटिलता और भाव और आनंद कला के लिए ये कहा जा सकता है कहा जाता है कि रूप और भाव का समुचित समन्वय ही उसका सौंदर्य है इसलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर uh, हैं सौंदर्य के लिए कला का भाव कला में भाव अभिव्यक्ति और पैदा करना दोनों रूप में होना चाहिए अर्थात कला द्वारा कलाकार के भावों की अभिव्यक्ति भी हो और उनका संप्रेषण और दृष्टा श्रोता में भाव पैदा करने की शक्ति भी हो इन्हीं भावों से रसों की निष्पत्ति अथवा आनंद की प्राप्ति होती है जैसे कोई भी रस है रस हमें क्यों मिलता है कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है रस भी नौ रस है। रस, रस, वीर रस, भी हैं, वीर इस तरह के रस उन रसों की हमें इन्हीं सब गानों से या कोई भी चीज देखने से हमें उन रसों की अनुभूति होती है तो वो रस की अनुभूति भी उनके उसके सौंदर्य पर ही निर्भर करती है कि वो चीज वो वस्तु या वो गायन या वो कविता कितनी सरल और सुंदर है जिसे फील करके हम उस आनंद रस की प्राप्ति कर रहे हैं करुण रस की कोई चीज है तो हम कितना दुखी हो रहे हैं उसको सुन के खुशी की चीज है उल्लास की चीज है श्रृंगार की चीज है तो हमारे मन में कैसे फीलिंग्स आ रहे हैं उसको सुन के तो ये सबकी अलग अलग होती है संगीत द्वारा भावों की अभिव्यक्ति और आनंदानुभूति दोनों कार्य पूर्ण होते हैं चूंकि संगीत प्रारंभ से ही आध्यात्म प्रधान रहा है अतः इसके द्वारा श्रृंगार दास्य वात्सल्य विरह मिलन शिकायत रूठना मनाना करुण वीर और शांत रसों की निष्पत्ति प्रमुख रूप में की जाती है और संगीत श्रोताओं को आनंदित करता है यह आनंद आत्मिक आनंद होता है संगीत का सौंदर्य सदैव प्रभावकारी और सजीव और सरस होता है संगीत से प्राप्त आनंद की स्थिति सेल्फ अवेयरनेस की तरह होती है भावों की अभिव्यक्ति और भावाभिव्यक्ति भावोत्पत्ति का सशक्त एवं सबल माध्यम संगीत है अब ये सारी चीजें संगीत में मौजूद हैं इन तत्वों को संगीत में किस रूप और प्रकार में पाया जाता है इस पर भी विचार करना है तो अब इसमें यही चीज है आज जो मैंने आपको बताई है बस एक शॉर्ट में इतना सा ये है कि कला सबसे पहले कला के फॉर्म में एक चीज होती है प्रस्तुति होती है जिस और कला क्या है आर्ट हमारे भावों की अभिव्यक्ति ये पांच ललित कलाएं मेन हैं जिससे हम खुश होते हैं सुनकर देखकर पांचों ललित कलाएं उसमें सर्वोत्तम ललित कला संगीत है और काव्य वाले लोग कुछ कवि काव्य मानते हैं सबका अपनी अपनी सोच है कोई गलत नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी गलत कह रहे हैं हमारी संगीत वालों की वो है सबकी अपनी सोच है वो जिस जिस नजरिए से वो सोचते हैं उनकी बात अपनी जगह सही हो सकती है हम जिस नजरिए से समझते हैं हमारी सोच अपनी जगह है कि संगीत में संगीत गायन वादन और नृत्य तीनों का समावेश होता है और तीनों के माध्यम से जो एक पिक्चर हमारे सामने आती है उसमें हम ज्यादा जाद, अच्छे तरीके से साफ सुथरे और स्पष्ट तरीके से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं दूसरा दूसरे लोग उसको उसी तरह से आनंद आनंदानुभूति कर सकते हैं कि जिस वे में हमने उसको दिखाया है या स्पष्ट किया है उसको श्रोता या दर्शक गण उसको उसी वे में समझ के खुश हो और उसको एंजॉय करें आनंद करें तो ये आज का टॉपिक है आप लोग एक मिनट जरा सा सारे लोग जो हैं आज अपना वो ऑन कीजिए कैमरा पता तो चले हमें कि किसने सुना है हमें कि किसने नहीं सुना हम्म अपना वीडियो ऑन कीजिए हुँ? नहीं हो हो रहा चलिए ठीक है आज का तो हो गया आपका ये टॉपिक इसके अलावा अगर कुछ भी और ऐसा लगे आपको कि आपके कोर्स में से कोई एक टॉपिक आपको समझना है तो वो आप अपनी मैडम को बता दीजिएगा तो फिर मैं आपको कल उसको क्लियर कर दूंगी ठीक है ओके okay. हम्म Take care. Take Pranam. Let's see what I leave.